हेलो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सिम्टम्स के बारे में। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में है कि नहीं है, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप किसी भी चीज़ को मिस ना कर पाएँ। गाइस, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक टाइम टाइम पहुँचती रहे। गाइस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी एक तरीके से बहुत ही कन्फ्यूजिंग, लोनली या फिर काफ़ी दुखी सी रहती है, बट जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है उसके बाद जो रिजल्ट मिलते हैं वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं। आप डिवाइन एक्सपीरियंस कर पाते हो। क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसी चीज़ है, जितना आप इसके पीछे भागोगे वो उतना ही आपसे दूर जाती जाएगी। आप जितना कह लो कि मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए या फिर मैं काफ़ी टाइम से स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में हूँ और मुझे हो नहीं रही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो गाइस ऐसे नहीं होगा। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग तभी हो पाती है जब आप एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हो, या फिर ऐसे टाइम में जाके होती है जब आपने एक्सपेक्ट किया ही ना हो कि हाँ भी मेरे को अब जाके स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। तो आप अपने एक्सपेक्टेशंस को लो करें, ठीक है, अपने ऊपर वर्क करते रहें। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट सिम्टम की, जो कि है यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। गाइस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में क्या होता है कि जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आप होते हो तब आप बहुत सारे सवाल अपने आप से करना शुरू कर देते हो, और ऐसे सवाल जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप अपने आप से करोगे भी। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल जो कि लाइक आपको लगेगा कि मुझे इसका जवाब चाहिए ही चाहिए, जैसे कि मैं अगर हूँ तो मैं क्यों हूँ, मैं इस प्लैनेट पे क्यों हूँ, या फिर मेरा जन्म क्यों हुआ है। आप इस तरह के सवाल अपने आप से रोज करते रहेंगे और इनका जवाब जानने के पीछे आप भागते रहेंगे। इसे अगला सिम्टम है यू स्टार्टेड द फाइंडिंग द पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस। गैस, क्या होता है जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में होते हो तो आप बहुत सारे सवाल खड़े कर देते हो अपने आप में कि अगर मैं हूँ तो क्यों हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, या जिन लोगों से मेरे साथ कनेक्शन है या जिनके साथ मेरा रिश्ता है वो क्यों है, ये सारा जो जंजाल मैंने अपने आसपास बुना हुआ है ये क्यों है, इन चीज़ों का पर्पस क्या है। क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग के वक्त आपको नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा, लाइक चीज़ें तो हालांकि पुरानी ही हैं बट आपको एक्सपीरियंस नए नए होंगे उनके, जैसे कि सूरज की रोशनी, जो सनशाइन होती है उसका आपको अलग ही फील स्टार्ट होना हो जाएगा। जैसे चांद की चांदनी हो जाए, आप चांद को देखोगे आपको एक अलग ही फील आएगा, जैसे कि आपको पहले नहीं आता था। तो आपके लिए चीज़ें नई नई लगेंगी आपको, कि आप उन चीज़ों को गहराई से समझना शुरू कर दोगे या फिर देखना शुरू कर दोगे। नेचर को इतना करीब से एक्सपीरियंस करके आपको एक अलग ही खुशी मिलेगी, जैसे कि आपको लगेगा कि नेचर और आप एक, दोनों साथ हो, एक हो। गाइस, रिमाइंडर, मैं आपको याद करा दूं कि बहुत जल्द मेरी वेबसाइट आने वाली है जिसके अंदर आपको 7 चक्रा का एक मास्टर कोर्स मिलेगा। मैं आपको हाई रिकमेंड करूँगा, जो भी लोग 7 चक्रा के ऊपर वर्क कर रहे हैं वो इस कोर्स को ज़रूर ट्राई करें, ये आपकी लाइफ को बदल सकता है। अब हम बात करते हैं थर्ड सिम्टम की, जो कि है योर फ्रेंडशिप शिफ्ट और चेंज। गाइस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में एक बहुत ही हार्ड पार्ट होता है कि आपकी लाइफ में बहुत से लोग चेंज हो जाते हैं या फिर उनके साथ आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। वो ऐसा क्यों होता है कि जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में होते हो तब आपका एक नया वर्जन बाहर आता है जो कि आपके फ्रेंड सर्कल को या फिर आपके करीबी लोगों को समझ नहीं आता है। वो आपको ऊपर क्वेश्चन खड़े करते हैं, आपको चैलेंज करते हैं कि अरे यार तेको क्या हो गया, तू पहले इतना अच्छा हुआ करता था और अब तेको क्या हो गया है। वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में डाउट क्रिएट करते हैं, तो फिर आपको क्या होता है, आप उनसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हो। आपको लगता है कि वो पर्सन मुझे समझ नहीं पा रहा है या फिर वो पर्सन शायद मुझे गलत समझ रहा है। आपके माइंड में ऐसी चीज़ें आने शुरू हो जाती हैं जो कि काफ़ी जायज़ है मेरे हिसाब से। लाइक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी आपको एक मौका देती है। गाइस, इसके पीछे वैसे ना एक बड़ा रीज़न ये है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग टाइम जब ऐसा आपको फील होता है कि आपके सारे दोस्त आपको छोड़ के चले गए हैं या फिर आपको कोई साथ नहीं दे रहा है या फिर आपको कोई समझने वाला नहीं है, तब आप अकेले हो जाते हो। और अकेले होने का फ़ायदा ही ये है कि आप अपने आप के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हो, आप अपने आप को टाइम देते हो, अपने थॉट प्रोसेस को समझते हो, अपने आप को समझते हो। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आपको बहुत ही बुरा लग रहा है, बट यकीन मानिए ये चीज़ आपके काम में बहुत आने वाली है। जितना टाइम आप अपने आप को दोगे, अपने आप को समझोगे, उतना ही आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आगे बढ़ पाओगे।
इससे अगला सिम्टम है यू डिज़ायर टू बी अलोन। वैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, जब मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में था तब मेरे को होता था कि मैं अब अकेला रहूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अकेले रहना अच्छा लगने लग गया था। और आप में से बहुत से लोग भी इस चीज़ को फील कर रहे होंगे कि हाँ, अब अकेले रहने में आपको काफ़ी अच्छा महसूस होता है। कहीं ना कहीं आप अपने इनर पावर को समझ पाते हो, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है आप उनको फिगर आउट कर पाते हो। तो यही है कि जितना आप इस वक्त अकेले रहना आपको अच्छा लगेगा, उतना ही आप अपने ऊपर वर्क कर पाओगे, अपनी इनर स्ट्रेंथ को, अपनी इनर पावर को समझ पाओगे। इससे अगला सिम्टम है यू सी हाउ अनहैप्पी मोस्ट ऑफ पीपल आर। गाइज, क्या होता है जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में होते, तब आप देख पाते हो पूरी दुनिया में या फिर आपके आसपास लोग कितने दुखी हैं। आप उनकी पेन को एक्सप्लोर कर पाते हो, अपने दुख को भी समझ पाते हो। एक्सप्लोर जो आपकी एक्सप्लोरेशन पावर है किसी चीज़ को डीप डाउन को समझने की, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। आपके मेंटल इमोशनल, आपके लोगों के मेंटल इमोशनल को आप समझ पाते हो कि हाँ, आप पहले के टाइम कैसे चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करते थे, और अब आपका जो रिएक्शन है या फिर आपकी जो मेंटेलिटी है, जो आपके अंदर पेन है या फिर सफरिंग है, आप उसको कहीं ना कहीं डीप डाउन जाके उस चीज़ को समझ पाते हो। इससे अगला है यू बिकम मोर सेंसिटिव टू अदर। गाइस, क्या होता है जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में होते हो, तब आप दूसरों के माइंड सेट को, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में या फिर वो कैसा सोचते हैं, आप उनकी आँखों में देख के समझ जाओगे। गाइस, साथ साथ आप दूसरे लोगों की एनर्जी को भी समझ पाओगे कि ये पर्सन की एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसी है। आप इस चीज़ को भी बड़े आसानी से स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में समझ पाओगे। इससे अगला सिम्टम है यू सी वी ऑल आर वन। गाइस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में एक और बड़ा अच्छा पार्ट जो ये आता है, वो ये है कि आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि हम सभी एक हैं, हम एक ही रोशनी के अंश हैं, ना कि तू अलग है, मैं अलग हूँ, तू काला है, मैं गोरा हूँ, या फिर ऐसी चीज़ें। सो आप ऊपर उठ जाओगे। जात पात ये चीज़ें आपके लिए ना कुछ रहेंगी नहीं। आपको लगेगा कि सब, हम सभी एक हैं, ना कि तू अलग है या मैं अलग हूँ। ना कि आप सिर्फ इस चीज़ को समझ पाएंगे, आप इस चीज़ को फील भी कर पाएंगे कि जो आपके थॉट्स हैं या फिर जो आपके बिलीव्स हैं, वो आपकी रियलिटी में काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं। क्योंकि जिस तरह आप सोचते हो, जिस तरह आपकी धारणाएं बनी हुई हैं अपने लिए या समाज के लिए या किसी चीज़ के लिए भी, उसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। या इस स्टेज पे आने के लिए बहुत से लोगों को कई साल लग जाते हैं, या फिर कई लोगों की तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, फिर भी इस चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं या फिर उनकी लाइफ में ये एक्सपीरियंस हो नहीं पाता है। इससे अगला सिम्टम है लेस इंटरेस्टेड इन मेटलिस्टिक थिंग्स। गाइस, क्या होता है कि जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में आगे बढ़ते हो, तब कहीं ना कहीं आपकी ईगो और आपकी अटैचमेंट्स कम होना शुरू हो जाती हैं। गाइस, आपकी डिज़ायर्स नहीं रहेंगी, आपको ये नहीं रहेगा कि मेरे को ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओगे, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ, मेरे को अगर फेम मिल गया तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा, मेरे पास पैसे आ गए तो मैं अमीर हो जाऊँगा। आप इन सब चीज़ों से ना, आपके लिए ये सब कुछ मिट्टी लगेगा कि ये कुछ नहीं है, ये तो बस दिखावा है अपने आप को संतुष्ट करने का या लोगों के सामने अपनी वाह वाह करने का। इससे अगला सिम्टम है यू स्टार्ट लव अनकंडीशनली। गाइस, जब आपके ईगो के बैरियर्स जो हैं वो टूट जाएंगे, तब आप कहीं ना कहीं लोगों से अनकंडीशनली प्यार करना शुरू कर दोगे। किसी भी कंडीशन से या किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशंस के आप लोगों से प्यार करोगे, चाहे आप उस पर्सन को जानते भी ना हो, फर्स्ट टाइम मिले हो, आप उस पर्सन से प्यार करना शुरू कर दोगे। ऐसा वाला प्यार नहीं कह रहा हूँ कि हाँ भी लड़का लड़की वाला प्यार, एक ऐसा प्यार कि जिसमें आपको कोई स्वार्थ ना हो, आपको कोई एक्सपेक्टेशन ना हो कि मुझे इस पर्सन से कुछ मिल जाएगा या फिर अगर मैं इसको प्यार करता हूँ या मुझे प्यार करे, ऐसा नहीं। आपको हर एक चीज़ से प्यार होना शुरू हो जाएगा, आपको इंसानों से प्यार होना शुरू हो जाएगा, जानवरों से प्यार होना शुरू हो जाएगा, पेड़ पौधों से, सूरज से, चाँद से, हर एक चीज़ से जो भी आपके आसपास है, जो भी आपको आप देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, फील कर सकते हो, हर एक चीज़ से आपको प्यार होना शुरू हो जाएगा।
गाइज मैंने ऑलरेडी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिसके अंदर आपको साइन स्टेजेस सिम्टम सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को भी चेक कर सकते हो। गाइज आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए लव यू ऑल।